दोस्तों अक्सर मूवीज में कुछ ऐसी जगह और खूबसूरत दृश्य दिखाए जाते हैं जिन्हें देखने के बाद खुद की ही आंखों पर यकीन नहीं होता। यह नजारा कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर सांसें ही थम जाती हैं और मन चाहता है कि काश कुछ ऐसा होता कि यह काल्पनिक दृश्य सच हो जाते और हम इन्हें हकीकत में भी जी पाते। अगर आपके भी मन में कभी ना कभी ऐसा ख्याल आया है तो दिल थाम कर बैठ जाएं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ धरती पर मौजूद कुछ ऐसी ही जगह जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और इन्हें देखने के बाद आपको अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं होगा। सैटर्निया टस्कनी। दोस्तों जरा एक बार नजर डालिए कुदरत के इस नायाब करिश्मे पर। आपने आज से पहले ऐसी किसी भी जगह को ना ही तो कभी देखा होगा और ना ही इसके बारे में कहीं सुना होगा। यह जगह मौजूद है इटली में, जहां पर कुदरत ने खुद से इस नेचुरल स्विमिंग पूल्स का निर्माण किया है। जहां इसका आसपास का इलाका ज्यादातर समय बर्फ से ढका रहता है, वहीं इस पूल में मौजूद यह पानी आश्चर्यजनक तरीके से सारा साल गर्म ही रहता है। इस पूल को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पानी गहरे नीले रंग का दिखाई देता है। इस जगह पर आकर ऐसा लगता है मानो जैसे आप परियों की दुनिया में जा पहुंचे हो। यही कारण है कि सैलानियों की सारा साल इस जगह पर भीड़ लगी रहती है। आपको इस खूबसूरत जगह के बारे में यह बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि यह जगह पूरा साल हफ्ते के सातों दिन और 24 घंटे बिल्कुल फ्री रहता है। मतलब कि इस जगह पर ठंडे वेदर में गर्म पानी में सुकून से नहाने के लिए आपको किसी को एक रुपए भी नहीं देना पड़ेगा। यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर कोई भी कभी भी एकदम मुफ्त में जा सकता है। उबुद। दोस्तों एक बार नजर डालिए धरती पर मौजूद एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इस जगह का नाम है उबुद। कुदरत ने इस जगह का निर्माण कुछ इस तरह से किया है कि इसे देखने के बाद किसी का भी यहाँ पर आकर बस जाने का मन करेगा। शहरी शोर से काफी दूर यह जगह काफी शांत है, जो कि सारा दिन पक्षियों की चहचहाट से गूंजती रहती है। यह जगह दुनिया के कोने कोने से नेचर लवर्स को अपनी तरफ आने के लिए मजबूर कर देती है, जहां पर वह साइकिल की मदद से इस पूरे इलाके को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस जगह पर मौजूद कुदरत के खूबसूरत नजारों को देखकर किसी का भी दिल खुशी से झूम उठता है। वुलिंगयुआन सीनिक एरिया। जहां चाइना दुनिया भर में कई तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वहीं इस देश की एक खासियत ये है कि यहाँ पर आपको कुदरत के ऐसे कई दिलचस्प नज़ारे देखने को मिल जाएंगे जिन्हें देखने के लिए नसीब लगता है, और इन्हीं नज़ारों में से एक है यह जगह भी। दोस्तों अगर आपने हॉलीवुड की अवतार मूवी को देखा है तो आपने इसमें दिखाए गए हवा में उड़ने वाले कुछ इस तरह के पहाड़ों को भी जरूर देखा ही होगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह वही पहाड़ है जिन्हें अवतार मूवी में दिखाया गया है। इस एरिया को तो दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक होने का खिताब भी दिया जा चुका है। यह पूरी की पूरी जगह 700 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जिसमें 3000 से भी ज्यादा यह छोटे छोटे पहाड़ मौजूद हैं। और सर्दियों के मौसम में तो इस जगह का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। ऐसे में जब यहाँ पर पड़ने वाली फॉग इन पहाड़ों को अपनी पतली चादरों से ढक देती है, तब यह पहाड़ तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि ऐसे में इन पहाड़ों को नीचे से देखने से उनका ऊपर का भाग नजर ही नहीं आता। और ऐसे में ऐसा लगता है मानो जैसे यह पहाड़ आसमान में किसी दूसरी ही दुनिया में जा रहे हों। और ऐसे में कुछ सैलानी तो इन्हें हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन की मदद से देखते हैं, जहाँ से यह पहाड़ बादलों में तैरते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, हवा में तैरते इन पहाड़ों के ऊपर आपको पेड़, वाटरफॉल और यहाँ तक कि लेक्स तक भी देखने को मिल जाएंगे। ग्रेट स्टैंडिंग स्टोन्स। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिन बड़े बड़े पत्थरों को देख रहे हैं, यह रसिया के 7 वंडर्स के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इन पत्थरों पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि यह पत्थर तो आज से करीब 30 करोड़ से भी ज्यादा साल पुराने हैं, जिन्हें यहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा 7 स्ट्रॉन्ग मेन के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ के लोगों के लिए यह पत्थर एक आस्था का केंद्र है। उनका मानना है कि यह पत्थर तो उनके भगवान की ही निशानी है, जिन्हें उन्होंने खुद से ही बनाया है। करीब 150 फीट तक ऊंचे यह पत्थर अपने आप में काफी अनोखे हैं। दुनिया भर के कई रॉक क्लिम्बर्स ने इन पत्थरों पर चढ़ने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन आज तक कोई भी इन पर चढ़ पाने में सफल नहीं हो पाया। हालांकि वो इससे भी ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ चुके हैं, लेकिन इन रॉक्स पर चढ़ पाना उनके लिए भी नामुमकिन ही है। सर्दियों के मौसम में बर्फ से ढक जाने के बाद ये रॉक्स और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में इन्हें देखने के लिए दुनिया भर के लोगों की यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। ऊटी। अगर बात हो रही हो धरती पर मौजूद सबसे खूबसूरत जगहों की, तो ऐसे में ऊटी का जिक्र भी ना किया जाए ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। ऊटी को सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में से एक माना जाता है।
ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लगभग हर कोई जाना चाहता है। चारों तरफ से नीलगिरी के पहाड़ों से घिरा हुआ यह ऊटी पूरे भारत के सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है और नेचर लवर्स के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं। अगर आप पहाड़ों से घिरे किसी हरे भरे इलाके में बादलों के बीच रहना चाहते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपको ऊटी से बेहतर दूसरी कोई और जगह नहीं मिलेगी। इस जगह की खूबसूरती का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर आने वाले सैलानियों की तादाद तो कई लाखों में है। यहाँ पर आपको धरती पर ही बादलों के साथ टी गार्डन, वाटरफॉल्स और घुमावदार देसी गलियां देखने को मिल जाएंगी। पर हाँ, यहाँ पर आने के बाद घर वापस आने का दिल ना करे तो मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि इस जगह का नशा ही कुछ ऐसा है जो किसी को भी अपना आदि बना लेता है। राजा एम्पर्ट आइलैंड। इस आइलैंड का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि यह जगह तो इंडिया में ही मौजूद होगी, लेकिन यह आइलैंड इंडिया में ना होकर इंडोनेशिया में मौजूद है और यह पूरा का पूरा आइलैंड 1500 से भी ज्यादा छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है और यह हरे भरे आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। इस आइलैंड का पानी इतना साफ है कि इसके पानी के नीचे की सारी चीजें साफ साफ दिखाई दे जाती हैं। इस आइलैंड पर कई सारी गुफाएं हैं जहां पर लोग अपनी पर्सनल बोट से उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां तक कि इस आइलैंड में तो पानी के नीचे भी बहुत सी गुफाओं को खोजा जा चुका है। यह जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन का इतना बड़ा केंद्र बन चुकी है कि यहां पर तो छोटे छोटे होटल्स को भी बनाकर तैयार किया गया है। पर हाँ, यहाँ पर रहकर इस जगह का लुत्फ उठा पाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर रहना इतना महंगा है कि दुनिया के कुछ गिने चुने अमीर लोग ही इन लग्जरी को अफोर्ड कर सकते हैं। हुआ का चीना। कहा जाता है कि रेगिस्तान में पानी का होना नामुमकिन है, लेकिन यह जगह इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर देती है। रेत के बीचों बीच में मौजूद हुआ का चीना नाम की यह जगह पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। यहाँ पर मौजूद इस लेक का पानी हरे रंग का है, जिसके साइड में इस शहर को कुछ इस तरह से बसाया गया है कि यहाँ पर कोई भी आकर रहने के लिए मजबूर हो जाएगा। बाहरी दुनिया से काफी दूर रेत के बीचों बीच में मौजूद इस जगह पर दुनिया की लगभग हर एक फैसिलिटी मिल जाती है। यही कारण है कि दुनिया भर से बहुत सारे लोग प्रकृति के इस नायाब नजारे को देखने के लिए यहाँ पर खींचे चले आते हैं। यहाँ पर एडवेंचर के लिए सैंड बोटिंग भी की जाती है। वैसे क्या आप रेत के बीचों बीच में मौजूद इस हरियाली भरी जिंदगी को जीना चाहेंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताना। पुमुक कले। अब बात करते हैं दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस की, जो कि तुर्की में मौजूद है। यह जगह पूरी तरह से सफेद रंग के कुछ मिनरल सॉल्ट से भरी पड़ी है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक सफेद रंग की बर्फ की चादर बिछा दी गई हो। चारों तरफ से सफेद रंग के नमक से ढके हुए इस इलाके में काफी सारे छोटे छोटे नेचुरल स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं। इस जगह की खूबसूरती को देखते हुए ही रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी के एक गाने तू जाने ना को इस जगह पर फिल्माया गया था। तुर्की का ये पुमुक कले भी दुनिया भर में काफी फेमस है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में यहाँ लोग आ पहुँचते हैं। मिस्टिकल एंटेलोप कैनियन। अब शायद ही किसी ने इस खूबसूरत जगह के बारे में नहीं सुना होगा। अमेरिका में मौजूद एंटेलोप कैनियन बहुत पुरानी है और इन पहाड़ों का नाम एंटेलोप इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर कई साल पहले एंटेलोप नाम के यह जानवर घूमा करते थे, जो कि काफी हद तक एक हिरन से ही मेल खाते हैं। करीब 600 फीट ऊंचा और 20 फीट गहरा ये पहाड़ अपने आप में काफी अनोखा है। एक समय था जब इन पहाड़ों के बीच में से पानी होकर गुजरा करता था और बस उस गुजरने वाले पानी ने ही इन पहाड़ों को ऐसा रंग रूप दे दिया, लेकिन आज इस जगह पर मौजूद वह पानी पूरी तरह से सूख चुका है और यह एक काफी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। इसे देखकर आंखों पर यकीन नहीं आता कि सच में ऐसी जगह भी मौजूद हो सकती है। इन पहाड़ों में से होकर गुजरने वाली हवाएं आज भी इसका रंग रूप बदलती रहती हैं। फिंगल्स केव। स्कॉटलैंड में मौजूद इन 100 साल पुरानी केव्स के बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा, लेकिन यह केव हाल ही में दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है और उसका कारण है इसमें मौजूद यह परफेक्ट डिजाइन, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत कारीगरी का एक नमूना लगता है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें मौजूद यह डिजाइन किसी इंसान ने नहीं, बल्कि इसका निर्माण तो कुदरत ने खुद से ही किया है। इन केव्स में मौजूद यह शेप्स वोल्कानिक इरप्शंस की वजह से कुछ इस तरह से बन गई है। अब भले ही सुनने में आपको मेरी इस बात पर यकीन ना आए, लेकिन यह बिल्कुल सच है। इन केव्स की एक और बात जो इन्हें और भी ज्यादा खास बना देती है वो यह है कि जब इनमें से हवा होकर गुजरती है तो इन केव्स में से एक बहुत ही सुंदर आवाज सुनाई देती है। जहाँ इंसान बड़े बड़े टूल्स की मदद से आज कई तरह के डिजाइन का निर्माण कर रहा है, लेकिन कुदरत ने तो आज से कई 100 साल पहले ही बिना किसी चीज की मदद से खुद से ही ऐसे कारनामे को करके दिखाया है, जिसे सच में जिंदगी में एक बार देखना तो बनता ही है। ब्लू कनाल्स। यूटाह दुनिया की एक ऐसी जगह है जहाँ पर भारी मात्रा में नमक का भंडार मौजूद है। यहाँ पर जगह जगह पर कई मील लंबी सॉल्ट लेक्स मौजूद है,
लेकिन इनमें से एक लेक के पास एक ऐसी खूबसूरत नहर बनी हुई है जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस नहर को जो भी कोई देखता है उसे काफी हैरानी होती है क्योंकि यह नहर है ही काफी खूबसूरत। इसकी खूबसूरती को देखकर दूर दूर से लोग इस नहर को देखने के लिए यहाँ पर आ पहुँचते हैं और इस नहर में बोट चलाकर इसका लुत्फ लेते हुए नजर आते हैं। और इस नहर की खासियत यह है कि इसमें कोई भी डूबता नहीं, क्योंकि इस नहर के पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि यह किसी भी इंसान को ऊपर उठाए रखता है। लेकिन फिर भी कुदरत के इस खूबसूरती से भरे इलाके में जान जाने का खतरा भी बना ही रहता है, क्योंकि यह पानी और इस इलाके की जलवायु हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। लेकिन फिर भी दुनिया भर के एडवेंचर लवर इस जोखिम को उठाने के लिए पीछे नहीं हटते। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे ऐसी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।